हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया है। यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इस साइड से, ऊपर की साइड से इसकी मेजरमेंट है फ्रेंड्स 23 इंच, और यहाँ से फ्रेंड्स इसकी मेजरमेंट है, देखिए डबल कर रखा है पोर्शन फ्रेंड्स मैंने, तो यहाँ से इसकी मेजरमेंट है फ्रेंड्स 16 इंच, यानी कि 32 इंच। पूरी कितनी हो जाएगी 32। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी के सेम साइज का एक राइस बैग चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक राइस बैग कट कर लिया है। इसकी मेजरमेंट भी आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों की मेजरमेंट फ्रेंड अलग अलग है। ये देखिए, यहां से इसकी मेजरमेंट है 17 इंच, और यहां से है फ्रेंड्स ये 14.5, यानी कि कितना हो जाएगा 29 इंच, डबल है। ये वाला फैब्रिक जो है फ्रेंड्स, यहां से भी थोड़ा सा लंबा है और इस साइड से भी लंबा है, तो हमें ऊपर की साइड से तो फ्रेंड्स लंबा चाहिए, लेकिन यहाँ जो साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे, रखेंगे और कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उल्टा रखते हुए हमें इसको इस तरह से पकड़ते हुए, जहां से साइड ज्यादा है, मतलब जहां से इसकी लंबाई ज्यादा है फ्रेंड्स, वहां से, जहां से लंबाई कम है वहां से नहीं सी लेंगे फ्रेंड्स, जहां से इसकी लंबाई ज्यादा है वहां से हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे आगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर लिया। अब हम इसको दूसरी तरफ टर्न करते हुए इसको पूरे पार्ट को अच्छे से क्विल्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। क्विल्ट करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसके सभी पार्ट को यहां से हम अच्छे से क्विल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्विल्ट कर लिया है। सिर्फ एक ही पीस से आज हम ये DIY बनाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स ये आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको क्विल्ट कर लिया। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट था फ्रेंड्स, ये कम से कम फ्रेंड्स ऊपर वाली साइड जो है हमारी 5 इंच के अराउंड एक्स्ट्रा है। ये देखिए 5 इंच, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से इसको वन टाइम फोल्ड करना है इस तरह से, और 2 टाइम फोल्ड करते हुए हमें इसे प्रॉपर यहां से फिनिश करना है। ठीक है, यहां से यहां तक हमें पूरे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहां से यहां तक सिलाई लगा ली, और इसके साथ साथ मैंने इनके बीच में भी एक सिलाई लगा ली। यहां से देखिए, इस तरह से हमारा ये स्पेस बन गया है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर दिया, हाँ जी। यहां से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहां से लेके ये ऊपर वाला इतना पार्ट छोड़ के फ्रेंड्स हमें यहां नहीं स्टिच करना। जो ये ऊपर हमने दो बीच में जो सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वहां हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी यहां से भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिचिंग की है। ठीक है, यहां से यहां तक इतने पार्ट पे 1.5 इंच पे हमें सिलाई नहीं करनी है, यहां से लेके यहां तक पूरे पे हमें स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैंने यहां से इसको स्टिच कर लिया और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मैंने इसको स्टिच किया है। अब ऊपर की साइड तो ये इस तरह से ओपन है, और जो नीचे की साइड है फ्रेंड्स, वहां से हमें क्या करना है, हमें 2.5 इंच का स्क्वायर पीस कट करना है दोनों साइड से। हाफ इंच मैं बता भी रही हूं आपको, 2.5 इंच, और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे 2.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 2.5 इंच का स्क्वायर पीस इस साइड से कट करना है। सेम इसी तरह 2.5 इंच का एक स्क्वायर पीस हमें यहां से भी कट करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स इस तरह के ऑर्गेनाइजर आपके लिए। हमें इन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर पर बहुत पैसे खर्च कर देते हैं फ्रेंड्स, जिनको हम घर पे ही वेस्ट क्लॉथ से बना सकते हैं, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर हम मार्केट से लेके आते हैं फ्रेंड्स, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते फ्रेंड्स। वो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं 2 या 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार वो यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो फट जाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर हम घर पे बनाते हैं फ्रेंड्स, ये सालों साल चलते हैं, इनकी कोई उम्र नहीं होती, वॉशेबल है, जब चाहो आप इन्हें वॉश कर सकते हैं इजिली, मशीन वॉशेबल, हैंड वॉशेबल, आप किसी भी तरह से इसको वॉश कर सकते हैं, और 0 कॉस्ट पे हमारा ये ऑर्गेनाइजर रेडी। तो देखिए, इस तरह होता है, या जो चीनी का बैग होता है, आटे की थैली होती है, वो सब इसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आपके पास हो तो रबर शीट या फोम शीट भी आप इनकी जगह यूज करते हैं, लेकिन रबर शीट फोम शीट आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जो राइस बैग होता है या जो चीनी के आटे वाला बैग होता है, ये जो होता है ये हमारे घर पे अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, और इस तरह से जो पुराने सूट वगैरह उस तरह का फैब्रिक भी हमारे पास मिल जाता है, और इजिली हम इसे सिल सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत कम समय में ये ऑर्गेनाइजर हमारे
रेडी हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने यहां से 2x2 के सॉरी 2.5 इंच के स्क्वेयर पीस कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां से यहां तक इस पे सिलाई लगानी है। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजर किस किस काम आ सकता है, मल्टीपर्पज ये ऑर्गेनाइजर काम आएंगे हमारे। देखिए फ्रेंड्स, एक घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं फ्रेंड्स। बिना ऑर्गेनाइज करे घर बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता, खास करके लेडीज को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से यहां तक हमने स्टिच कर लिया इसको। अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसको इस तरह से मैनेज करते हुए यहां से यहां तक इस तरह से, और जो ये शेप है इसको हम यहां से इस तरह से खोल देंगे ताकि इस पर सिलाई करना इजी हो जाए। फ्रेंड्स मैंने सिंपल सिलाई मशीन है मेरे पास और इस पे 18 नंबर की मैंने नीडल लगाई हुई है। देखिए इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, लेकिन इसके जो रफ एजेस है वो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, उसको भी हमें साथ के साथ ही क्लीन कर लेना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक पट्टी ली हुई है, देखिए इसको मैं हाफ हाफ कर देती हूं, दोनों साइड हमारी ये पट्टी लग जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया और इसको कैसे लगाना मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ऊपर की साइड से इस तरह फोल्ड कर देना, पहले हल्का सा फोल्ड करके हाफ इंच हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। इसी तरह नीचे की साइड भी जितना हमें लगानी है, जहां तक हमें लगानी है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, और उसको भी हमें नीचे की साइड से इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना और उस पर सिलाई लगा देना, सिंपल सिलाई। सेम रूल है फ्रेंड्स, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। हम जो कम इंच का मार्जिन छोड़ते हैं फ्रेंड्स तो वो कपड़ा कई बार खुसक जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सारा सिलाई की भी मेहनत खराब चली जाती है। इसलिए कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिए और हमें अंदर की साइड थोड़ा सा हाफ इंच तो कम से कम हमें दबाना ही चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको 1 टाइम फोल्ड किया और 2 टाइम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। इससे क्या आएगा कि ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी होगा। हो गया फ्रेंड्स इस साइड से, सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ओपन करना है। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे एक डोरी डालनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह की एक डोरी मेरे पास है, ये देखिए इस तरह से एक डोरी मेरे पास है। ये फ्रेंड्स पुराने लोवर में से आप निकाल सकते हो, जो बच्चों के लोवर्स होते हैं उसमें से भी निकाल सकते हो, उनके बाद में पीछे जो होते हैं हैंडल लगे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको इसी की हेल्प से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ, या फिर इस तरह इजिली ये डल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डोरी डाल ली है। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है। इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। अब मैं बताती हूँ इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस पर्पज से हम किस किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर किनारे में इसके निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ फ्लफी फ्लफी सा ये हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो। ये देखिए ये फ्रेंड्स ये इसका बेस रेडी हुआ है, ये देखिए प्रॉपर शेप से। और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम क्या क्या डाल के रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसके अंदर शूज रख दिए फ्रेंड्स, जेंट्स शूज रखे हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें लेडीज शूज वगैरह डालोगे तो इसमें 2 जोड़ी आराम से इजिली आ जाएंगी हमारी, तो मैंने जेंट्स शूज रखे क्योंकि जो जेंट्स शूज होते हैं फ्रेंड्स वो लंबे लंबे होते हैं और पीछे से उनके लिए हमें बेस ज्यादा चाहिए होता है, तो इस तरह से मैंने इसमें डाला है। और चाहो तो इसमें भी फ्रेंड्स एक जोड़ी लेडीज की भी, एक जोड़ी जेंट्स की और एक जोड़ी लेडीज की इजिली इसमें आ जाएगी। और यहां से हम इसको इस तरह से टाई कटिंग करते हैं, जब कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो फ्रेंड्स हम इसको डायरेक्ट इसी तरह बंद किया और हम इसको अपनी जो जहां जिस बैग में हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं सूटकेस में, उसमें हम इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, रख सकते हैं। हम अपने ट्रेवलिंग बैग में इसको इजिली रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स ये था इसका फर्स्ट यूज। मैं इसका सेकेंड यूज आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसमें कपड़ों को इंसर्ट कर दिया है, हमें डल जाएंगे फ्रेंड्स 3 भी डल जाएगी, और इस तरह से बंद किया और जेंट्सों की 2 या 3 ड्रेसेस इसमें इजिली आ जाएगी। देखिए फुल बेस है फ्रेंड्स इसका, तो इजिली इसमें 2 या 3 ड्रेस हमारी
इजीली आ जाएगी। आप चाहो तो इसमें मेकअप का सामान भी इसमें डाल सकते हैं, बच्चों के शूज वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, बच्चों की सॉक्स वगैरह। जैसे अब सर्दियां चली गई हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों की जितनी भी सर्दियों की सॉक्स होती हैं वो आप इसके अंदर डाल के, क्योंकि जो क्या आता है कि सॉक्स हो गया, गर्म इनर वगैरह हो, जो ठंड आती है हल्की हल्की ठंड, वो हमें पहले निकालने होते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर डाल के अलग से रख सकते हो फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि हमें इसे शूज के लिए ही यूज करना है या फिर क्लॉथ ऑर्गेनाइजर के रूप में यूज करना, आप जो जैसे भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। बाय बाय।